तो यहाँ पर आज पढ़ाने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। इसमें लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। 7.1 एन सी ई आर टी एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ना है, चाहे आप हिंदी मीडियम को हो या आप इंग्लिश मीडियम को हो, बुक ही एक ही है। लिखा हुआ है 2.3 और 4.1 2.3 इंटू 4.1। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है क्या डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी दो बिंदु, बिंदु मतलब होता है पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब बिंदु हुआ, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी पॉइंट, यानी पहला पॉइंट ये दो दूसरा पॉइंट, ठीक है ना। इसको एक्स वन, इसको वाई वन मानेंगे, और इसको एक्स टू, इसको वाई टू, इस तरीके से मान लेते हैं। और शुरुआती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हाई स्कूल का, ठीक है, 9th में शायद नहीं है, यह है जो भी हो, लेकिन यह हाई स्कूल में है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1 आप अपनी किताब एनसीईआरटी बुक, चाहे आप हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम की, देखिए जी देख लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2.3 और 4.1, तो एक्स वन वाई वन और वाई एक्स टू वाई टू, इसके बीच की दूरी निकालना है, यानी डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस डी इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। पहले पॉइंट आप समझिएगा, इस तरीके से आपको सवाल दिया रहेगा, आप अपनी कम से कम बुक खोल के देखिए, ओपन कीजिए, ये बुक है, जब कोऑर्डिनेट किताब खोलेंगे 7.1 का ये क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने में आए, ठीक है ना, ऐसे सवाल दिया रहेगा। तो पहले वाले को मानेंगे एक्स वन, दूसरे वाले को वाई वन, एक्स वाई मानेंगे, और दूसरे वाले को एक्स टू, फिर वाई टू। अगर एक्स वाई मान लें, पहले को एक्स दूसरा वाई, कोई भी अक्षर होता है, पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है तीसरा जेड होता है, एक्स वाई जेड या ए बी सी डी, तो आप कहेंगे एक्स वन वाई वन का है, माने भैया पहले को एक्स वन वाई वन, चूँकि दूसरा बार आएगा तो एक्स टू वाई टू, ठीक है, ये मानने का तरीका हो गया। चलिए अब इनके बीच की दूरी, यानी डिस्टेंस, दूरी ना, इनके बीच की दूरी यानी डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस निकालना। आप अगर रटेंगे तो रटने से नहीं आएगा, इंसान को सवाल समझने से आता, आप इंडिया में रहते हैं तो हिंदी तुरंत आती है ना। दूरी यानी डिस्टेंस, दो बिंदुओं, बिंदु यानी पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की हमें दूरी निकालना है। तो एक्स टू माइनस एक्स वन को होल स्क्वायर इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए एक्स टू, अब यहाँ पे देखेंगे एक्स टू क्या है, एक्स टू के ऊपर क्या हुआ है, लिखा हुआ है चार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे चार माइनस, माइनस था तो माइनस लगा दीजिए। एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए दो है यानी टू है, और यहाँ पे क्या लिखा स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए, फिर क्या है प्लस है तो प्लस, फिर ब्रैकेट है तो आप ब्रैकेट ऐसा करके बना देंगे, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। वाई टू, वाई टू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक है, माइनस है, माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू क्या है थ्री। अब डी स्क्वायर टू अंडर रूट, ये फॉर्मूला है जिसे हिंदी में बोलते हैं सूत्र, तो फार्मूला याद कर लीजिएगा, डी इक्वल टू, डी यानी डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी डी इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। तो ये फोर माइनस टू देख रहे हैं ना, तो फोर माइनस टू, फोर माइनस टू इक्वल टू टू, यानी चार में से दो घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, दो ही आएगा ना, टू का स्क्वायर प्लस एक माइनस तीन, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ देखिए स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, एक माइनस तीन,
तीन में से जब आप एक घटाएंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसे बोलते हैं, तीन में से एक घटाएंगे कितना आएगा, दो आएगा। तो दो आएगा, क्या दो आएगा, माइनस आएगा कि प्लस एक, माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि तीन ज़्यादा है। आप कहेंगे तो एक ज़्यादा होता, कितना ज़्यादा होता है, ज़्यादा तो एक होता है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि सिंबल किसका ज़्यादा है, तीन के सामने माइनस है तो तीन ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। वर्ड एक ज़्यादा होता है लेकिन घटेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है, यहाँ पे घट जाएगा। तो तीन में से क्या आएगा, दो ही आएगा, लेकिन जो ज़्यादा लोग सामने चिन्ह वही लग जाएगा, यानी माइनस। तो यहाँ पर ये स्क्वायर डी इक्वल टू टू कवर करेंगे तो हो जाएगा चार, माइनस टू कवर करेंगे तो फिर हो जाएगा चार। डी इक्वल टू, एक बार देख लेते हैं कि नीचे वाला पूरा दिखाई देता है कि नहीं, वरना हम ऊपर लगाते हैं। चार और चार, क्योंकि नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो ऊपर हम दिखाई दे रहे हैं। चार प्लस चार यानी फोर प्लस फोर एट। अब हमें नहीं मालूम कि आप किसी यूपी और यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है, इतनी हिंदी आती है। चार और चार कितना हुआ, आठ होगा, यानी कड़ी में आठ। इस डी को आप आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, गलत नहीं है, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं टू इंटू टू इंटू टू, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे ये दोनों, देखो क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है, जोड़ बन रहा है, तो ये बाहर निकाल देंगे, दो कड़ी में दो, ये हो गया डिस्टेंस आपका, ये आपका आंसर। यहाँ भी आंसर ले सकते हैं और वहाँ पर भी आंसर ले सकते हैं, ठीक है ना। यही क्वेश्चन था आपका, ठीक है, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन यानी बीच में, द फॉलोइंग, फॉलोइंग नीचे दिए हुए